अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ख़ास बात जो रमज़ान के हवाले से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो है कि जब भी रमज़ान आता तो वो सदका और खैरात ऐसे करते जैसे कोई तेज़ हवाएं चल पड़ी, इतना तेज़ हो जाते आप। तो इस रिवायत से और दीगर रिवायतों से हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ना नेकियां इकट्ठा करने का नाम था, और उन्होंने तरगीब और तलकीन भी इसी की है कि कुन फिर दुनिया का अन्न का गरीब न आबिर उसकी, दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी मुसाफिर, कम सामान इकट्ठा करो, कम दौलत जमा करो, कम माल के पीछे भागो। ये माल ही होगा जो फितना बन के दुनिया में भी बर्बाद करता है और आखिरत में भी इसका हिसाब बहुत देना पड़े। तो सहाबा तो अपनी ज़िंदगियों में दिए में थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो जाता ना तो उस पर भी अपने घर वालों से लड़ लिया करते थे कि क्यों ज़्यादा, ये ज़्यादती से बचते थे। रमज़ान पाक साफ होने का महीना है, तस्किए का महीना है, और ज़कात भी तस्किए से ही निकला। कद अफलाह मन ज़क्काहा व कद ख़ाबा मन दस्साहा, कि कामयाब है वो शख्स जिसने पाक कर लिया, जिस्म को पाक कर लिया, रूह को पाक कर लिया। रूह पाक होती है तौबा से, जिस्म पाक होता है तहारत से, और माल पाक होता है ज़कात से, अल्लाह की राह में माल निकालने से। अल्लाह की राह में जिधर जिधर काम हो रहा है, मुसलमान की ये चाहत होनी चाहिए कि मैं अपना आप लुटा दूँ उम्मत के ऊपर, मैं अपना आप बेच दूँ इस कौम की खातिर, मैं अपना आप दीन इस्लाम की बका के लिए, मेरी जान भी जाती है तो चली जाए। इस रमज़ान बंदा फ़कीर बंदा नाचीज़ में थर के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स और मज़ीद हमने 20 से 25 कुओं का टारगेट करने की कोशिश की है। तो मेरी टीम ने ही मुझसे बात की है कि आप आवाम से बात करें, लोगों से बात करें, तो मैं आपके सामने हूँ। जो लोग भी इस कार्य खैर में हमारे साथ तआवुन करना चाहें, अहलन वसालन मरहबा, अल्लाह ताला आपसे कबूल करे। नहीं भी होगा तो मैंने तो काम करना है, मैं तो करता रहूँगा। दूसरा, हम पूरे रमज़ान में पाकिस्तान भर के अंदर राशन की एक बड़ी कैंपेन बड़े अरसे से चलाते हैं, और लोग भी करते हैं, लेकिन मैं भी बहुत पुराना अल्लाह की रहमत से इस फील्ड में हूँ। तो राशन की तकसीम के लिए भी हम चाहेंगे कि पहले से ही रमज़ान से आप लोगों को चाहिए तैयारियाँ पकड़ें, कमर कसें, हमारा साथ दें। हम भूख और प्यास जितनी बुझा सके बुझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आखरत के अंदर क़यामत के रोज़ हमें इस प्यास और हमें इस भूख से हम किनार ना होना पड़े। जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनुल जज़ा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट। हम आपकी सपोर्ट और तआवुन के मुंतज़िर होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनुल जज़ा।